से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बहुत ही मज़े मज़े की जोन सी हैं कुकिंग रेसिपीज़ मिलती रहेंगी देखने को। और अगर आप लोग फूडी हैं तो ये बहुत अच्छी जगह है आप लोगों के लिए, और आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तो आपके जोन सी क्रेविंग का सलूशन है यहाँ पर मौजूद है। तो व्यूवर्स, अब शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी को। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है लाल लोबिया। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं लाल लोबिया की रेसिपी। तो लाल लोबिया को तैयार करने के लिए पहले हम लोगों ने लिया है एक जो सा दरमियाने साइज़ का प्याज, और उसको हम लोगों ने कुकिंग ऑयल में डाल दिया है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि प्याज हम लोगों ने ऑयल में डाला हुआ है। इसको हम लोग लाइट सा कलर देंगे और उसके बाद जानेंगे मम्मा से कि ये जो लाल लोबिया की रेसिपी वो आज शेयर कर रहे हैं ये कैसे तैयार होगी, क्योंकि लोबिया बहुत लोगों को पसंद है। वो हमारी मतलब जौन से हैं कम्युनिटी के दूसरे लोग, वो लोग मतलब कहते हैं कि हमें दाल खानी है, हमें राजमा खाना है, हमें लोबिया खाना है, तो प्लीज़ हमें जौन सी इस तरह की रेसिपी सिखाएं। तो ये उन बहन भाइयों के लिए रेसिपी बहुत यूज़फुल है जो दाल के शौकीन है और इस तरह की जो सी चीज़ें हैं मतलब लाइक मतलब जो हमारे इंडियन बहन भाई हैं जो हमारे चैनल पर आते हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा ये रेसिपी को देख कर। तो अब मम्मा आपसे जानते हैं कि कैसे तैयार करेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी बहन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हल्के से ब्राउन करूँगी प्याज के लहसुन, फिर वो टमाटर मसाला भूनेंगे, फिर उसके बाद लाल लोबिया डालेंगे। ठीक है, तो व्यूवर्स आप लोगों ने इस रेसिपी को देखना है। मम्मा ने हल्का सा आप लोगों को जो सा इसका ओवरव्यू दिया है, लेकिन पूरी रेसिपी आप लोग देखेंगे तो आपको यकीनन ये बहुत पसंद आएगी। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना। साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दिए। इसको अच्छे से भूनेंगे हम लोग। हाँ जी, आधा चम्मच हल्दी का, ठीक है, पौना चम्मच मिर्च का, पीसी का, पौना चम्मच नमक का, थोड़ा सा जीरा। क्योंकि हमारी ना लोबिया ज़्यादा नहीं है, पाव लोबिया है, इसके मुताबिक ना मैंने डाला है मसाला। मतलब अगर आप लोगों ने एक पाव का ज़्यादा मतलब करना है तो इन तमाम तक स्पाइसेस को आप डबल कर लें, तो फिर वो आप उस हिसाब से शामिल कर सकते हैं। ये लोग मसाला ज़्यादा खाते हैं, मतलब तेज़ नमक मिर्च, हम लोग तो ज़्यादा नहीं खाते ना, इसलिए मैंने अपने हिसाब से डाल दिया। तो ये पका के दो। चलो मैंने कहा ये पका लेते हैं आज। हाँ जी, ये लोग लाल थोड़ा सा डाल के ना भूनते हैं, फिर इसमें पानी डाल के दम से पका। तो आपने कितनी देर पानी में इसको भिगो के रखा था लोबिया को? घंटा डेढ़, दो घंटे तो हो ही गए हैं। दो घंटे, ठीक है व्यूअर्स, मतलब ये भी आपको आइडिया हो गया ना, ये अच्छी तरह हो भी गया। हाँ, हो गया है। तो मतलब आप इसको डेढ़ से दो घंटे के लिए भिगो के रख दें, तो फिर बहुत ही अच्छा जो सा आपका लाल लोबिया वो तैयार होगा। लाल लोबिया की जो आज हम लोग रेड लोबिया करी आपके साथ शेयर करें ये रेसिपी है, तो बहुत ही मज़े की तैयार होगी। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। तो हमने ये भी बता दें कितनी देर आप लोगों ने भिगोना, क्योंकि अक्सर उकात हमसे लोग ये भी सवाल करते हैं मतलब चावलों के हवाले से कितनी देर भिगोएं, दाल कितनी देर भिगोएं। तो आज इसलिए मैंने पहले ही मम्मा से या आप लोगों के आने के लिए सवाल कर लिया है कि आपने लोबिया को कितनी देर भिगोया। हाँ जी, अब 5 मिनट भूनने के बाद इसमें पानी डाल देते हैं, तो फिर जब वो लगा देती हूँ मैं ढकना इसका, सीटी पी साथ, ठीक है, फिर दम पे मतलब रख देंगे, दम पे लगा देंगे। बस आप पानी अपने हिसाब से डाल लें। अब मैंने डाल दिया ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए। खुशबू माशाल्लाह अच्छी आनी शुरू हो गई है, वो मसाला भूना है ना इसीलिए। अब मैंने से अच्छी तरह हटा के अब ये प्रेशर कुकर का लगा देती हूँ।
जी। तो व्यूवर्स अब देखते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो से आज की रेसिपी है लाल लोबिया वो बिल्कुल तैयार हो गई है। तो ये देख सकते हैं कि वो बबल्स भी इसके अंदर बन रहे हैं। तो इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें कितने मज़ेदार गर्मा गर्म जो से है लाल लोबिया की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की वो तैयार हो गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी है पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें, उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूवर्स इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ बनाना सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो व्यूवर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।